तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं आज हम वरदान सीरीज अरे मैम आप आप अरे कैसे तो होली बनाते है, है? मैम होली तो ठीक है बट मेरा लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है मैम थोड़ा सा मैम ये रंग, ये रंग नहीं है मैम ये रंग नहीं है ये कहा से लेके लेकर ये हमारा ये ले 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 कलर तो है बिकॉज वी आर टीचर तो हमारा कलर तो यही बनेगा ना अरे मैम नहीं ऐसा मत करूस बोर्ड <iddles LustIS> मैम देखिए ये मेरा हथियार है AU! तो मुझे लगता है ये रंग चलो आप ट्राई करो देखते मैम देखिए ये मेरा हथियार है और मुझे लगता है ये रंग मुझे नहीं चढ़ेगा ठीक है चलो देखते हाँ देखिए देखे क्या हो ठीक है बट मैम देखिए ये तो हुआ यहाँ तक के लिए होली के लिए ठीक है रंग तो आपको भी लगाना बनता है

जो इंक आपने दिए है ये तो मेरा हथियार है मैं जानता हूँ ठीक है कि ये रंग तो मेरे ऊपर नहीं चढ़ेगा ठीक है देखते हैं नाना? देखते हैं बट जो आपने मुझे दिया है मुझे लगता है मैं उस पे तो रंग पक्का चढ़ेगा मैम ठीक है अरे चलो देखते हैं ठीक है तो चलिए देखते हैं आप सब के। आपने ऑन द स्क्रीन एक बूंद तो ज्यादा डाला था बट हम तो सिर्फ एक ही ड्रॉप डालेंगे अच्छा तो अच्छे से होली मनाई जा रही है <laughs> अब ये और ये लीजिए अब आप वापस अब ये अरे आपका रंग कहाँ जा रहा है ये

बाय तो ये आज के लेक्चर की जो हमारी शुरुआत है और आप सब लोग देख सकते हैं कि वो रंग गायब हो चुका है हमने विदाउट एनी कट ये वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करी है आज का जो हमारा टॉपिक है उसी में इसका आंसर है आई होप आप सब लोग उसका आंसर इस क्लास के एंड तक दे पाएंगे देखते हैं आप हमें बता पाते हैं कि नहीं हेलो बच्चों कैसे हैं आप सब लोग माई सेल्फ अमित महाजन एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ कॉम्पिटिशन वाला जैसा कि आपको पता है आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वरदान सीरीज में एज इट्स रिटर्न अवर्फ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड आइनिक इक्विब्रियम सो वाई यू हैव चोजन दो चैप्टर द रीजन इज प्रेडी इंटरेस्टिंग द रीजन इज दिस मैन री ओन एन टी ए चेयरमैन विनीत जोशी जिनका थोड़े दिन पहले ही एक इंटरव्यू रिलीज हुआ है एंड इट हैज लाइक गॉन वायरल लाइक एनीथिंग विच सेव ए पुटेट इन इन ए वेरी सिंपल वे वॉट मेक्स द पेपर डिफिकल्ट तो इनका कहना था बहुत ही आसान शब्दों में डिफिकल्टी डज नॉट मीन मीन यू क्रिएटेड ए टेस्ट ऑफ ए हायर लेवल

एप्लीकेशंस के बारे में बात करी है इन्होंने और क्या बोला है कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को अगर हम क्या कर दिया जाए कंबाइन कर दिया जाए ठीक है तो भी पेपर को डिफिकल्ट बनाया जा सकता है तो इसी कारण आज का हमने जो टॉपिक चुना दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्लास ट्वेल्थ की फिजिकल केमिस्ट्री का वन ऑफ द टफेस्ट चैप्टर्स एंड फिजिकल इक्विब्रियम एकेमिकल इक्विब्रियम Uh, नहीं आयनिक वन ऑफ़ ऑफ़ द क्लास इलेवेंथ वेन इट कम्स टू फिजिकल केमिस्ट्री ठीक है तो दोनों टॉपिक्स को हमने कंबाइन कर दिया है ठीक है और देखें कि उन दोनों टॉपिक्स को कंबाइन करके किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं क्या क्या क्वेश्चन पास्ट ईयर में आए हुए हैं और क्या क्या फ्यूचर में और पूछा जा सकता है उनकी एप्लीकेशन से ठीक है इस लेक्चर को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया है शुरू के हाफ में हम लोग को स्टडी करेंगे ठीक है आइनिक इक्विलिब्रियम का एक सबसे बड़ा टॉपिक दैट इज पीएच ठीक है एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सबसे बड़ा टॉपिक दैट इज सब के बारे में पढ़ेंगे फिर नेक्स्ट हाफ में इसी इसी लेक्चर के सेकेंड हाफ में इसी लेक्चर में टोटल uh, जो 40 मिनट्स का ड्यूरेशन होगा उसी के uh, 20 मिनट्स में हम देखेंगे कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी और क्या क्या एप्लीकेशंस आ सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले दैट इज पीएच के बारे में बात कर रहे हैं अगर हमें पीएच फाइंड आउट करना हो किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड का सर व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रॉग एसिड इट कैन बी एचसीएल इट कैन बी एच एन थ्री इट कैन बी एच टू एस अगर उसका पीएच फाइंड आउट करना है तो सिर्फ पीएच का फॉर्मूला क्या होगा माइनस लॉग ऑफ एच पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन या जिसको एच पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन को बुक्स में कई जगह पर हाइड्रोनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन भी लिखा हुआ है मैं आयन की लिखता हूं मतलब दोनों का क्या है सेम है ठीक है और ये फॉर्मूला जो पी एच इक्वल लॉग ऑफ एच पॉजिटिव आयन फ्रॉम एसिड ये फॉर्मूला कब लगेगा कब लगेगा कंडीशन भी आपको पता होनी चाहिए कब लगेगा अगर एच पॉजिटिव आयन जो एसिड से आ रहा है वो टेन ड्रेस टू पावर माइनस सिक्स मोलर्स से ज्यादा है से ज्यादा है जी ठीक है एच पॉजिटिव आइन जो होगा एसिड से आ रहा हो टेनस माइनस सिक्स से क्या होगा ज्यादा तो पीएच का फॉर्मुला क्या लगेगा माइनस लॉग ऑफ एच पॉजिटिव आइन जो एसिड से आ रहा है ठीक है कौन कौन से स्ट्रॉग एसिड हो सकते हैं ये ठीक है एक आसान सा क्वेश्चन देखते हैं हालांकि क्वेश्चन तो हमने नेक्स्ट वाले uh, में करने हैं लास्ट 15 मिनट या 20 मिनट्स में ठीक है बट अभी देखते हैं दैट इज फाइंड ऑफ पॉइंट मोलर तो pH कैसे फाइंड आउट करेंगे इसका क्या आपको पता है एच सी एल को वाटर में डालेंगे तो किस में डिसोशियट होगा एच पॉजिटिव आयन एंड सी एल निगेटिव आइन फिर वही इसको हाइड्रोनियम आयन भी बोल सकते हैं हम लोग वन से ये कितना बनता है वन तो ये था पॉइंट वन यही था मतलब yes. तो ये भी कितना बनेगा? पावर माइनस वन मोलर तो किसके बराबर आ गया माइनस लॉग ऑफ टेन रेज टू पावर माइनस वन क्या हम सबको पता है लॉग एम की पावर एन क्या होता है दैट इज एन लॉग एम माइनस वन आगे आ जाएगा दन लॉग Log टेन 10. Log 10 की वैल्यू कितनी होती है वन तो पी कितना आ जाएगा वन ये हमने किसकी पी सीखा स्ट्रॉन्ग एसिड की ठीक है जस्ट टू गेट द फील ऑफ द क्लास ठीक है अगर मान लीजिए पेपर में आ जाए पीएच जो है वो स्ट्रॉन्ग वेस की फाइंड आउट करनी है कंडीशन यही है कि अगर ओ एच नेगेटिव आए की कॉन्सेंट्रेशन टेन एस्ट पॉल माइनस सिक्स मोलर से क्या होगी ज्यादा फ्रॉम बेस फ्रॉम बेस ठीक है तो पीओ एच आ जाएगा सर ये पीओ क्या होता है जैसे पीएच होता है पी एच क्या होता है एच तो ओ एच क्या होगा ठीक सर हमें तो पीएच फाइंड आउट करना है ना आपने पीओ एच फाइंड आउट कर दिया एग्रीड बट हमें तो पीएच फाइंड आउट करना है प्लस एच के बराबर होता है कब 25 डिग्री सेल्सियस पे या 298 केल्विन पे फाइंड आउट कर लिया तो पीएच किसके बराबर आ माइनस 14 एच किस किसकी पीएच पीएच के बारे में बात कर चुके हैं स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस ठीक है अब देखते हैं और किसकी पीएच दैट इज पीएच ऑफ वीक एसिड सिर्फ आपने स्ट्रॉन्ग एसिड्स के नाम बताए थे HCl HNO3 H2SO4 स्ट्रॉन्ग बेस मैं बता देता हूँ NaOH KOH बेरियम हाइड्रोक्साइड ये सारे स्ट्रॉन्ग बेस हैं ठीक है ठीके? कुछ वीक एसिड्स के नाम बताइए वीक एसिड्स दैट इज एसिटिक एसिड इथेनोइक एसिड मीथेनोइक एसिड ठीक है ये कुछ क्या हैं वीक एसिड्स अगर इनकी पीएच निकालने के लिए आ जाए इसकी पीएच का फार्मूला होगा -1/2 लॉग के ए इंटू सी पी एच इज इक्वल टू माइनस हाफ लॉग के ए इंटू सी जिसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा हाफ ब्रैकेट में पीके ए माइनस लॉग सी सर ये पी के ए क्या है अरे पी एच क्या था माइनस लॉग ऑफ एच पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन तो पीके ए क्या होगा माइनस लॉग ऑफ के ए पता चल गया सर सी क्या है सी है कॉन्सेंट्रेशन किसकी कॉन्सेंट्रेशन सर वीक एसिड की पीएच फाइंड आउट कर रहे हो तो ये कॉन्सेंट्रेशन किसकी होगी वीक एसिड की मेक श्योर करिएगा ये फॉर्मूला कब अप्लाई करें जब आपको क्वेश्चन के अंदर यहां तो एल्फा गिवन होगा एल्फा क्या होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर एल्फा गिवन है क्वेश्चन के अंदर उसकी वैल्यू पॉइंट या उससे कम है ठीक तो यह फॉर्मूला यूज कर सकते हैं आप अगर मान लो क्वेश्चन में अल्फा गिवन ही नहीं है ठीक है फिर भी पीएच पूछा हुआ है वीक एसिड का मान लिया अल्फा गिवन नहीं है एग्री ठीक है अरे के ए तो गिवन होगा सी तो गिवन होगा सी क्या है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वीक एसिड के ए क्या है डिसोसिएशन कांस्टेंट या आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड ठीक है अल्फा अगर 0.05 या उससे लेस होगा तब ये फॉर्मुला यूज कर सकते हैं या के ए अपॉन सी के ए अपॉन सी अगर उसकी वैल्यू भी ट्वेंटी फाइव इंटू टेन एस माइनस फोर से कम हो तब भी यह फॉर्मूला यूज कर सकते हैं ये मतलब ये, दोनों एक ही फॉर्मूले तो ये कैसे किसकी पीएच फाइंड आउट कर सकते हैं हम दैट इज फॉर वीक एसिड क्वेश्चन करेंगे जस्ट गिव जिसके विजय ठीक है अच्छा नेक्स्ट है हमें फाइंड आउट करनी है पीएच ऑफ वीक बेस सर पहले तो कुछ वीक बेस के नाम बताइए जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस है, है पायरॉल एक वीक बेस है एनिलीन एक वीक बेस है बहुत सारे एग्जाम्पल्स है वीक के, उसका भी पीओएच निकाल लेंगे फॉर्मूला माइनस हाफ लॉग ऑफ के बी इंटू सी ठीक है जिसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा हाफ कॉमन आ जाएगा अंदर पी के बी माइनस लॉग सी ये भी फॉर्मूला कब यूज होगा लिखा ही हुआ सेम अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्वेश्चन में या तो गिवन होगी या नहीं गिवन होगी अगर गिवन होगी और उसकी वैल्यू पॉइंट जीरो फॉर्मूला यूज कर लेना मान लो गिवन ही नहीं है अल्फा ठीक है और के बी गिवन है सी गिवन है के बी को डिवाइड कर लेना सी से अगर उसकी भी वैल्यू ट्वेंटी फाइव इंटू टेन स्कोर माइनस फोर के इक्वल आ गई या लेस आ गई तो ये वाला फार्मूला यूज करेंगे ये वाला या ये वाला बात एक ही है दोनों उसी को सिंप्लीफाई किया हुआ है सर पी के भी क्या होगा अरे पी के क्या था माइनस लॉग ऑफ के ए तो पी के भी क्या होगा माइनस लॉग ऑफ के बी सर के बी क्या है दैट के ए क्या था डिसोसिएशन या आयोनाइेशन कांस्टेंट वीक एसिड का तो के बी क्या होगा डिसोसिएशन या आयोनाइजेशन कांस्टेंट वीक बेस का तो हमने किस चार चीजों की पी सीख चुके हैं अभी तक हम ठीक है दैट इज वीक एसिड की वीक बेस की स्ट्रॉन्ग एसिड की और स्ट्रॉन्ग बेस की ठीक है चलिए आगे मूव करते हैं टाइम बहुत कम है ठीक है इतना टाइम तो मतलब इंडिया में फाइनल में शाहरुख खान को भी इससे ज्यादा टाइम मिला था भाई उसे भी सत्तर मिनट मिले थे हमें मिले हैं अप्रोक्सीमेटली फोर्टी मिनट और हम उसमें अपना बेस्ट डिलीवर करना चाहते हैं पीडब्ल्यू की टीम तो इसी कारण हमने दो ऐसे बहुत बड़े टॉपिक उठाए हैं एंड आई थिंक वी विल डेफिनेटली मेक ए बिग डिफरेंस इन दीज फोर्टी मिनट्स चलिए आगे बढ़ते हैं ठीक है नेक्स्ट है सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस ठीक है अगर सॉल्ट का क्या हो हाइड्रोलाइसिस हो ठीक है अगर कोई सॉल्ट में जो कैटायन है या एनायन है दोनों में से कोई एक हाइड्रोलाइज हो जाए या दोनों ही हाइड्रोलाइज हो जाए तो पीएच सोल्यूशन की क्या हो जाती है चेंज सोल्यूशन अब न्यूट्रल नहीं रहता ठीक है सॉल्ट चार तरह के हो सकते हैं एक सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग वेस्ट का दूसरा वीक एसिड स्ट्रॉन्ग वेज से मिलकर बना हुआ तीसरा स्ट्रॉ एसिड वीक बेस से मिलकर बना हुआ और चौथा वीक एसिड और वीक बेस से मिलकर बना हुआ ठीक है तो चारों सॉल्ट्स के बारे में बात करते हैं उनकी पीएच के बारे में बात करते हैं फिर उनके ऊपर एग्जाम्पल क्या है NaCl सर आपको कैसे पता एसिड और स्ट्रॉग बेस से ही बना है। अरे किसी स्ट्रॉग एसिड का नाम लिख लेते हैं एसिड में से एच हटाओ बेस में से ओ OH एच हटाओ क्या बच गया इधर एन इधर सीएल बच गया एन ठीक है जो भी सॉल्ट बना होता है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से उसमें ना तो कैटायन का हाइड्रोलाइसिस होता ना ही एनआईन का हाइड्रोलाइसिस होता तो यानी कि इसकी पीएच चेंज नहीं होगी इसकी पीएच चेंज नहीं होगी ठीक है याद रखिएगा ठीक है होप्स हो so, आप ये सारी बातें लिख रहे होंगे सिर्फ वीडियो देख नहीं रहे होंगे आप इसको अप्लाई भी करेंगे और इसके आफ्टर इफेक्ट भी देखेंगे आप अपने एग्जाम्स में ठीक है क्या अगर कैटायन का हाइड्रोलाइसिस तब होगा अगर वो किसी वीक कंपोनेंट से आया होगा या एनायन का भी हाइड्रोलाइसिस तब होगा जब वो किसी वीक कंपोनेंट से आया होगा ठीक वीक कंपोनेंट मतलब वीक एसिड से या वीक बेस से आया होगा ठीक है दूसरी बात जब भी कैटायन का हाइड्रोलाइसिस होता है तो सॉल्यूशन एसिडिक होता है जब भी एनायन का हाइड्रोलाइसिस होता है तो सॉल्यूशन बेसिक होता है ठीक है तो यहां पर एनए सी एल ए आयन स्ट्रॉन्ग एसिड से आया, से आया तो इसका मतलब ठीक है ये है कि ना कैटायन का हाइड्रोलाइसिस होगा ना एनायन का हाइड्रोलाइसिस होगा सॉल्यूशन हमेशा क्या रहेगा न्यूट्रल सॉल्यूशन हमेशा क्या रहेगा न्यूट्रल ठीक है, है? और न्यूट्रल है न्यूट्रल सॉल्यूशन की पीएच सेवन होती है जब टेम्परेचर कितना होता है ट्वेंटी फाइव डिग्री सेल्सियस ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं, ये पहला सॉल्ट था नेक्स्ट सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, क्या आपको पता है वीक एसिड कौन सा होगा दैट इज बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं मैं CH3COH एग्जांपल ले रहा हूं स्ट्रांग बेस NaOH इन दोनों को मिलाएंगे एसिड से H पॉजिटिव आयन चला जाएगा लो भाई चला गया बेस से OH नेगेटिव आयन चला जाएगा क्या बच गया CH3COO Na ठीक है ये रहा वो सॉल्ट सोडियम एसिटेट एक और है HCOH और NaOH से बना हुआ वीक एसिड स्ट्रांग बेस ठीक है ये रहा सोडियम फॉर्मेट ठीक है इसमें किसका हाइड्रोलाइसिस होगा सोडियम एसिडेट रख लो या सोडियम सोडियम फॉर्मेट रख लो मैं यासीडेट की बात कर रहा हूं इसमें किसका हाइड्रोलाइसिस होगा सर अभी अभी आपने बताया था जो भी कॉम्पोनेंट वीक से होता है क्या वीक से आया होता है सोडियम आयन एसिडेट आयन कौन आया एसिडेट आयन आया वीक एसिड से तो उसका मतलब उसका हाइड्रोलाइसिस होगा यानी कि हाइड्रोलाइसिस किसका होगा एनायन का जब भी सॉल्ट होगा वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का हाइड्रोलाइसिस किसका होगा एंड नायन का ठीक है एंड सॉल्यूशन कौन सी नेचर नेचर का हो का होगा बेसिक होगा ठीक है पीएच का फॉर्मूला क्या होगा किसी भी सॉल्ट जो कि वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ है उसकी पीएच का फॉर्मूला क्या होगा सेवन प्लस हाफ पी के प्लस लॉ सी सी क्या है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्ट ना मोलारिटी दे रखी होगी कोई पॉइंट वन मोलर पॉइंट टू मोलर पॉइंट फोर मोलर सोल्ट की ठीक है पी के ए आपको पता ही है माइनस लॉग ऑफ के ए के ए क्या था डिसोसिएशन कांस्टेंट एसिड का सर बात तो आप यहां पे सोल्ट की कर रहे हैं के ए को बोल रहे हैं आप डिसोसिएशन कांस्टेंट एसिड का हाँ भाई ये जैसे सीएस थ्री सीओ एच है सी एस थ्री सीओ एच सी एस थ्री सीओ एन ने इसी से बना ना सी एच थ्री एच और एन एच तो इसके ए के, के बारे में बात हो रही है अगर यही फॉर्मूला के बारे में लगा रहा हूं तो वहां पर भी होगा बट वो के ए डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट किसका होगा वो डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट इसका होगा एच एच का ठीक है ये फॉर्मूला कब लगेगा एट ट्वेंटी फाइव डिग्री सेल्सियस या जिसे आप क्या बोलते हैं टू नाइन एट दो सॉल्ट हमने पढ़ हैं दो और पढ़ने देखिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है है कौन सा सॉल्ट ऑफ एसिड एंड वीक बेस ठीक है एग्जाम्पल्स सामने लिखे हुए हैं अमोनियम क्लोराइड अमोनियम नाइट्रेट ठीक है इस तरह के हो सकते हैं इनमें सॉल्यूशन एसिडिक नेचर का होता है ठीक है पीएच जो है वो सेवन से कम आएगी 25 डिग्री सेल्सियस पे उसका फॉर्मूला क्या दे रखा है सेवन माइनस हाफ ब्रैकेट में पी के बी प्लस लॉग सी सर सी क्या है फिर वही बात कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट पता नहीं अमोनियम क्लोराइड है क्या अमोनियम नाइट्रेट है जिसके ऊपर भी न्यूमेरिकल आएगा ठीक है एंड पी ए क्या है माइनस लॉग ऑफ के ठीक है माइनस लॉग ऑफ पी के ए नहीं है सॉरी पी के बी है बेटा क्योंकि तो वीक बेस है ना यहाँ माइनस लॉग ऑफ के बी सर के बी क्या है दैट इज डिसोसिएशन कांस्टेंट बेस का ठीक है बेस जैसे अमोनियम क्लोराइड है इसी सॉल्ट के बारे में बात हो रही है ये बना किससे होगा किसी स्ट्रॉन्ग एसिड से एच से मान लेते हैं और वीक बेस से एन तो इस एन एच फोर ओ एच का डिसोसिएशन कांस्टेंट जो होगा वो क्या होगा केवी और पी के किसके बराबर होगा माइनस लॉग ऑफ के वी ठीक है तो ये हुआ हमारा थर्ड टाइप का सॉल्ट नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉल्ट दैट इज सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस सर कैसे सॉल्ट के बारे में बात कर रहे हो ये देखो सी एच थ्री एच और एन एच फोर ओ एच से बना हुआ सॉल्यूशन एसिडिक भी हो सकता है बेसिक भी हो सकता है डिपेंड कर रहा है डिपेंड कर रहा है क्यों क्योंकि आपकी बार दोनों का हाइड्रोलाइसिस हो रहा है ना एनायन का भी क्योंकि ये भी वीक एसिड से आया और कैटायन का भी क्योंकि ये भी वीक बेस से आया तो सॉल्यूशन एसिडिक भी हो सकता है बेसिक भी हो सकता है सर हमें कैसे पता चलेगा एसिडिक होगा के बेसिक होगा ठीक है ये देखिए अगर के एक के बी से बड़ा होगा ठीक है ना रिसोसिएशन कांस्टेंट जो एसिड का आएगा पता है ना किस एसिड का ये कौन से एसिड से बना है सी थ्री सी और कौन से बेस से बना है एन फोर ओ ठीक है अगर के ए के बी से ज्यादा आया तब तब पी के ए पी बी से कम होगा अगर के ए के बी से ज्यादा आया तो पी के ए पी बी से कम होगा यानी कि ये छोटा है बेटा वैल्यू बड़ी होगी यानी कि ये माइनस में आ जाएगा उसको हाफ से मल्टीप्लाई करूंगा तब भी वैल्यू माइनस ही रहती है ठीक है सेवन से वैल्यू कम हो जाएगी ट्वेंटी फाइव डिग्री सेल्सियस पे ठीक है और जब भी वैल्यू सेवन से कम हो जाती है तो सॉल्यूशन कौन सी नेचर का आ जाता है एसिडिक यानी कि अगर के ए के बी से बड़ा आया तो सॉल्यूशन कौन सी नेचर का होगा एसिडिक और अगर सर के ए के बी से छोटा आया तो पी के ए पी के बी से बड़ा हो जाएगा ए वाली वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी वैल्यू सेवन में एड हो जाएगी सेवन प्लस हाफ जो भी वैल्यू आएगी ठीक है तो वैल्यू सेवन ज्यादा हो जाएगी ज्यादा होने का मतलब है कि सॉल्यूशन जो है वो कौन सी नेचर का हो जाएगा बेसिक ठीक है एट ट्वेंटी फाइव डिग्री सेल्सियस चारों तरह के सॉल्ट भी पड़ लिए ठीक है, है अब देखिए नेक्स्ट दैट इज बफर सॉल्यूशन

साथ में सॉल्ट होगा वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सॉल्ट होगा वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ जैसे ये देखिए वीक एसिड और ये रहा उसका सॉल्ट स्ट्रोंग बेस के साथ ठीक है ना सी एस थ्री सीओ एच भी होगा उस बीकर के अंदर और कुछ सी एस थ्री सीओ एच कुछ सारा नहीं कन्वर्ट हो चुका होगा सी एस थ्री सी ओ एन ए में ठीक है कैसे सीएस थ्री सीओ एन ए में कैसे कन्वर्ट हुआ होगा

एच इज इक्वल टू पी के ए लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्ट सोल्ट पता है सिमिलरली ऐसा ही एक और है बेटा दैट इज बेसिक बफर बेसिक बफर में क्या होगा यह भी मिक्सचर होगा किसका मिक्सचर ऑफ एक तो कंपोनेंट के अंदर क्या होगा वीक बेस होगा ठीक है एक तो वीक बेस होगा और साथ में यहां पर अच्छे तरीके से लिख देते हैं थोड़ा इंग्लिश लिखने में गलती हुई हुई है एक तो वीक बेस होगा साथ में क्या होगा सॉल्ट ऑफ वीक बेस विद स्ट्रॉन्ग एसिड

पता ही है लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन बेस सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे डिनोमिनेटर में किसकी कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी बेस की सर ये तो पीओएच है आपने तो बोला था कि पीएच निकालना सिखा रहे हो आप तो पीएच तो आपको आज ही बात हुई हमारी 14 माइनस पीओएच कहाँ पे एट 25 डिग्री सेल्सियस पे ठीक है तो अब आगे बढ़ते हैं जी ठीक है नेक्स्ट देखिए जो जो आज हमने पढ़ा है उसका क्या क्या एप्लीकेशन इलेक्ट्रो में हो सकता है ठीक है देखिए सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सब ने पढ़ा होगा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में पता है ना एक बीकर के अंदर एच होता है एक वायर होती है उसके ऊपर प्लेटिनम ब्लैक की कोटिंग करी होती है और उसमें से हाइड्रोजन गैस पास करी जाती है मैं फिर रिपीट कर देता हूँ बीकर होगा उसके अंदर एच होगा ठीक है और प्लेटिनम वायर होगी उसके ऊपर हाइड्रोजन गैस पास करी जाती है ठीक है हाइड्रोजन गैस का प्रेशर कुछ भी हो सकता है अगर वो वन ए होगा एंड कॉन्सेंट्रेशन एच की अगर वो वन मोलर होगी तो उसे वो दोनों चीजें अगर होंगी और तो टेम्परेचर टू वो तो पता ही है तो क्या हो जाएगा दैट इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ठीक है मैं एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बना रहा हूं जिसमें इधर भी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है इधर भी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है दोनों को आपने वोल्ट मीटर से कनेक्ट कर दिया है जो इधर हाइड्रोजन गैस आप पास कर रहे हैं ठीक है एनोड की तरफ बात कर रहा हूं और इधर राइट हैंड साइड वाले को कैथोड बोलते हैं जो लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन गैस पास हो रही है उसका प्रेशर की है जो भी आपने हाइड्रोजन का सोर्स रखा है चाहे एच सी एल एच या थ्री अरे सर एन एच कैसे का अरे सर इतना कॉम्प्लीकेटेड कैसे बोल रहे हो अभी अभी हम लोगों ने सीखा है क्या सारे सीखे है ना कि हाइड्रोजन का सोर्स कोई भी हो सकता है ये देखो इसमें भी हाइड्रोजन होगा ना पी निकलेगी ना इसकी भी ठीक है इसमें भी हाइड्रोजन होगा ना पीएच निकलेगी ना इसकी भी ऐसे ही अलग अलग सॉल्ट देखे थे हम लोगों ने उनकी भी पीएच का फॉर्मूला पढ़ा है हमने वीक एसिड भी पढ़ा वीक बेस भी पढ़ा हम लोगों ने ठीक है तो सबकी पीएच कुछ ना कुछ तो होगी तो ये एच पॉजिटिव आयन का सोर्स कुछ भी हो सकता है, ये ये है, है सिर्फ पांच या सात मिनट या दस मिनट के बाद राइट हैंड साइड में जो कैथोड है फिर वही एच पॉजिटिव आयन का सोर्स कुछ भी हो सकता है स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड बेस कुछ भी ठीक है और इधर जो हाइड्रोजन है उसका प्रेशर कितना है पी टू ठीक है इसकी ई e सेल का फॉर्मूला है पॉइंट जीरो फाइव नाइन बाई एन नेगेटिव लगा रहा हूँ ऊपर आएगा एच पॉजिटिव आयन एनोड वाला स्क्वायर पार्शियल प्रेशर दैट इज पी टू कैथोड वाला नीचे एच पॉजिटिव आयन कैथोड वाला ये सी टू पार्शियल प्रेशर एनोड वाला अब देखिए अगर बेटा यहां पर माइनस लगा हुआ है अगर मैं इस माइनस को हटाना चाहता हूं ठीक है इस पर पॉजिटिव लग जाता हूं तो यह डिनोमिनेटर ऊपर आ जाएगा नीचे आ जाएगा देखिए नेक्स्ट वाले पे ई सेल इज इक्वल टू पॉइंट जीरो फाइव by n क्या लिखा था हमने ऊपर आ जाएगा आपकी बार एच पॉजिटिव आएन कैथोड वाला स्क्वायर P1 तो वन एनोड वाला एच पॉजिटिव एनोड वाला और ये P2 टू ब्रैकेट में लिखना है पार्शल प्रेशर हाइड्रोजन का दैट इस P2 टू कैथोड वाला मान लीजिए हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट ध्यान से सुनना बेटा इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल की मैं फिर रिपीट कर देता हूं एक बार ये H पॉजिटिव कैथोड वाला है ये C2 है ठीक है ये H पॉजिटिव एनोड वाली कॉन्सेंट्रेशन है ये C1 है ठीक है एनोड में ये तो पता ही है पार्शियल प्रेशर हाइड्रोजन गैस का एनोड वाला इसका है पार्शियल प्रेशर हाइड्रोजन का कैथोड वाला मैं बार बार पार्शियल प्रेशर बोल रहा हूं बोलना प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन है मुझे ठीक है वापिस आ रहे हैं टॉपिक की तरफ सबसे पहले सुनिए इलेक्ट्रोलाइट ट्रेशन सेल नाम से ही पता चल रहा है इलेक्ट्रोलाइट की कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग होगी ये के अलग अलग होंगे पता पॉइंट फोर मोलर कुछ भी हो सकता है बट ये दोनों सेम होंगे ये और ये सेम होंगे ये दोनों सेम होंगे तो क्या क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं बेटा ई सेल पॉइंट जीरो फाइव नाइन बाय एन ऊपर आ जाएगा लॉग एच पॉजिटिव आयन का होल स्क्वायर सी नीचे एच पॉजिटिव आयन का होल स्क्वायर ए ये सी टू है ये सी वन है ये कॉन्सेंट्रेशन एच पॉजिटिव आयन के थोड़ पे ये एनोड पे इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा मैं बता देता हूं यहां पर एन टू है एन कितना है टू है ठीक है इसको सिंप्लीफाई करेंगे सिंपल बस ये याद रखना e है आपको ई सेल का फॉर्मूला क्या आएगा पॉइंट जीरो फाइव नाइन यहां पर पीएच आ जाएगी एनोड की यहां पर पीएच आ जाएगी कैथोड की वो टू वगैरह मैंने निकाल के उनको कैंसल आउट कर दिया है एन से ठीक है फॉर्मूला किसका है ठीक है दैट इज फॉर इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स ऑब्वियसली अब दो चैप्टर्स को कंबाइन करके क्या ये एनोड कुछ भी हो सकता है स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड बफर कुछ भी हो सकता है एसिड एसिड वीक एसेड बफर स, जो भी आपके दिमाग में आ रहा है सॉल्ट कुछ भी हो सकता है ठीक है तो ये इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल का फॉर्मूला है अगर हमने अगर हमने ये मान लेते पी वन इज नॉट इक्वल टू पी टू अगर प्रेशर अलग-अलग है ठीक है इधर जो हाइड्रोजन गैस का प्रेशर है और उधर हाइड्रोजन गैस का प्रेशर अलग-अलग है पर कंसंट्रेशन सेम है इधर भी H+ आयन की कंसंट्रेशन मान लेते हैं 1 मोलर HCl है उधर भी कैथोड में भी क्या है 1 मोलर HCl तब क्या फॉर्मूला हो जाएगा ई सेल का तब क्या फॉर्मूला हो जाएगा ई सेल का 0.059 n log ये देखो ये देखो ये दोनों सेम बता दिए ना आपकी बार तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे ऊपर क्या आ जाएगा नहीं अगले वाले पेज पे पी आई ये देखो हां ये ऊपर सी और ये ये तो सेम हो गए ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे ये क्या आ जाएगा प्रेशर हाइड्रोजन का एनोड वाला ऊपर प्रेशर हाइड्रोजन का कैथोड वाला नीचे ऊपर क्या आ जाएगा दैट इज फॉर ये एनोड वाला ये कैथोड वाला यहां पर एन की वैल्यू टू रखनी है टेम्परेचर हमने जितने भी अभी तक क्वेश्चन किए हैं सब में 298 Kelvin ही माना है पेपर में कंपटीशन में आपके पास टाइम नहीं होगा ठीक है तो 0.059 को आप अप्रोक्सीमेटली 0.06 भी लिख सकते हैं ठीक है क्योंकि जैसे 0.06 जीरो लिखूंगा 2 से डिवाइड हो जाएगा ये 0.03 हो जाएगा ठीक है ये फॉर्मूला कब है द इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल जब इलेक्ट्रोड का प्रेशर अलग अलग है इलेक्ट्रोड का प्रेशर अलग है इलेक्ट्रोलाइट सेम था इधर भी मोलर एल था उधर भी मोलर था तभी तो उसे मेंशन नहीं किया हमने और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई है जी तो अब स्टार्ट करते हैं जो जो हम सब ने सीखा है उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स देखते हैं पेपर में कैसे आते हैं कैसे पूछे जाते हैं उनको कैसे सॉल्व किया जाएगा ठीक है प्लीज सबसे पहला क्वेश्चन मेन में आया है क्वेश्चन क्या है पी के ऑफ़ वीक एसिड कोई वीक एसिड है जिसका नाम एच है उसका पी के ए दे रखा है बेटा कितना दे रखा है अच्छा और पी के वी किसी वीक बेस का भी दे रखा है कोई वीक बेस है बेटा उसका भी पीके pkv दे रखा है अरे भैया दे कितना रखा है एसिड का 3.2 बेस का 3.4 द पीएच ऑफ देयर सॉल्ट सॉल्ट की पीएच पूछी है सॉल्ट की जो किससे मिलके बना हुआ है वीक एसिड से और वीक बेस से मिलके बना हुआ है आज ही पढ़ा था अभी अभी 7 प्लस हाफ ए माइनस pkv ठीक है बस पीके दे रखा है 3.2 के भी दे रखा है थ्री पॉइंट फोर माइनस करेंगे सेवन माइनस पॉइंट वन आ जाएगा आंसर आ जाएगा सिक्स पॉइंट नाइन सिक्स नाइन ये रहा इतना ही टाइम लगना चाहिए एग्जाम में अगर आपने टॉपिक ढंग से पढ़ रखा है अगर आप वरदान सीरीज को रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं तो ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ऑर्डर टू प्रिपेयर ए बफर सॉल्यूशन ऑफ पीएच 5.74 कब आया भाई क्वेश्चन अरे ये तो अभी 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 तो एक महीना भी नहीं हुआ है पंद्रह दिन हुए हैं इस क्वेश्चन को आए हुए जो कि इंटीजर टाइप क्वेश्चन आता है आपका जिसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आप बोलते हैं इन ऑर्डर टू प्रिपेयर ए पीएच बफर सॉल्यूशन है जिसका पीएच कितना दे रखा है 5.74 सोडियम एसिटेट सी ठीक है जी सॉल्ट तो है स्ट्रॉ बेस के साथ सोडियम एसिटेट इज एडेड टू ये एसिडिक बफर के, के बारे में बात हो रही है ठीक अच्छा, है अच्छा इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड इन द बफर एसिड की कॉन्सेंट्रेशन दे रखिए बेटा कितनी दे रखी है वन ठीक है द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम एसिटेट यानी कि सोल्ट की पूछी हुई है इसकी पूछी हुई है सोल्ट की ठीक है बेटा कितनी है कितनी नहीं ये पूछी हुई है आपसे लास्ट में क्वेश्चन में पी के ए भी दे रखा है एसिटिक एसिड का 4.74 बस आपसे सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन पूछी हुई है अभी अभी जस्ट हमने पढ़ा था क्या कि पीएच का फॉर्मूला किसके बराबर होगा एसिडिक बफर के लिए पीके लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड बस बेटा वैल्यूज पुट करते रहिए ये 5.74 दे रखा है ये 4.74 दे रखा है लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट की फाइंड आउट करनी है एसिड की वन दे रखी है ये उधर जाएगा वन हो जाएगा लॉग

मोलर इतना ही टाइम पेपर में लगना चाहिए ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अब जो हमने पढ़ाया है क्या के दोनों चैप्टर को कंबाइन कर दिया जाए ठीक है दैट इज इक्विलिब्रियम एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री दोनों के वो दोनों सबसे इंपॉर्टेंट सबसे बड़े टॉपिक हमने डिस्कस कर लिए ठीक है थीके? तो उसके ऊपर कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ये देखिए इधर कोई क्वेश्चन है हाइड्रोजन का प्रेशर एनोड में वन एटीएम दे रखा है कैथोड में भी दे रखा है

इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल निकालने का अभी अभी पड़ा था पॉइंट जीरो पॉइंट जीरो सिक्स भी रख लेना पेपर में कोई टेंशन नहीं है पीएच एनोड माइनस पीएच कैथोड एनोड की पीएच लेफ्ट हैंड साइड टू दे रखी है कैथोड की थ्री दे रखी है माइनस में आ गई वैल्यू अगर ई सेल माइनस में आता है तो रिएक्शन क्या होती है नॉन स्पॉन्टेनियस देखिए कॉन्सेप्ट समझने का कितना फायदा होता है नहीं तो कहां रिएक्शन लिखते रहते हैं और ये क्वेश्चन आया हुआ है जी कहीं कि किसी प्रीवियस एग्जाम में तो ई e सेल नेगेटिव आ रही है नेगेटिव कहने का मतलब ये क्या हो जाएगा नॉन स्पॉन्टेनियस चलिए आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन क्या है बेटा फाइंड द सेल पोटेंशियल फिर दोबारा ई e सेल फाइंड आउट करना है। प्रेशर वन ए टी एम यहां पर प्रेशर वन ए एम अरे फिर दोबारा सर ये इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल का है क्यों क्योंकि कैथोड पे एनोड एनोड पे कैथोड पे प्रेशर जो हाइड्रोन का वो क्या दे रखा है सेम दे रखा है तो दोबारा वही लगा दो सर क्या ई सेल पॉइंट पीएच एनोड का और पीएच कैथोड का पीएच निकालते कैसे हैं सर तो बहुत सिंपल है माइनस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव आयन या एच पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन एनोड पे कितनी दे रखी है बेटा 10 रेस टू पावर माइनस फोर माइनस फोर आगे आ जाएगा लॉग एम की पावर एन क्या होता है एन लॉग एम माइनस फोर आगे आएगा तो फोर लॉग टेन बन जाएगा लॉग टेन की वैल्यू वन तो पीएच कितना आ गया फोर तो एनोड का पीएच फोर सिमिलरली कैथोड का पीएच निकालेंगे 10 रेस टू पावर माइनस फाइव है कितना आ जाएगा फाइव आ जाएगा बस आंसर आ गया बेटा क्या आंसर आ चुका है हमारे पास पॉइंट जीरो फाइव नाइन एनोड का फोर कैथोड का फाइव माइनस पॉइंट जीरो फाइव नाइन अरे सर ये तो पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही था एग्जैक्ट ठीक है ई सेल कितना आ जाएगा माइनस 0.059 वोल्ट ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब की बार देखिए क्या कर रखा है इन्होंने प्रेशर एनोड का कैथोड का अलग अलग है एच पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन एनोड में कैथोड में अलग अलग है इसका मतलब हमें दोनों को काउंट करना पड़ेगा एच पॉजिटिव आयन का प्रेशर को सॉरी कॉन्सेंट्रेशन को भी और प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन को भी क्या यही होगा हमारा अब की बार फॉर्मूला जो आज हमने किया था वो ये रहा जी बिल्कुल ठीक है एन की वैल्यू टू है ऊपर एच पॉजिटिव एन कैथोड का होल स्क्वायर एनोड का पार्शियल प्रेशर एनोड की कॉन्सेंट्रेशन ऊपर होल स्क्वायर कैथोड में पार्शियल प्रेशर हाइड्रोजन का चलिए 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 क्वेश्चन कहा गया ये रहा तो ईश्वर e

और क्या थोड़ा दैट इज ट्वेंटी क्या हम इसे सॉल्व कर सकते हैं जी बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं यहां पर क्या आ जाएगा फोर बाय टू क्या ऊपर क्या बन जाएगा ये टेन एस टू माइनस टेन होगा टेन रेज टू पावर माइनस फोर नीचे फोर ठीक है क्या टेन एस टू तो पावर माइनस फोर में से जो फोर है वो आगे लेके आ सकते हैं हम लोग पॉइंट जीरो फाइव नाइन को मैंने कम से कम चार बार बोल दिया आपकी मन मर्जी कैलकुलेशन जल्दी कर रही हो पॉइंट जीरो सिक्स रख लेना चार ऑप्शन आपके पास होंगे उसके पास का जो आंसर आएगा वही आंसर होगा तो मैं क्या कर रहा हूँ इस पॉइंट जीरो फाइव नाइन को पॉइंट जीरो जैसे ही इसे सिक्स रखूंगा ये पॉइंट जीरो थ्री हो जाएगा अब इसको सॉल्व करूंगा पॉइंट जीरो थ्री माइनस फोर लॉक टेन माइनस फोर फोर की वैल्यू होती है पॉइंट सिक्स जीरो टू जीरो ये आ जाएगा अंदर माइनस थ्री पॉइंट थ्री जीरो एट जीरो तो सॉरी ई सेल किसके बराबर आ गई पॉइंट जीरो थ्री इंटू पॉइंट माइनस में

अब की बारे नोड में हाइड्रोजन का सोर्स कौन है बेस और कैथोड पर कौन है वो तो कोई टेंशन ही नहीं है एसिड क्या इतना तो पता चल गया कम से कम कि ई सेल का फॉर्मूला पॉइंट जीरो फाइव नाइन पीएच एनोड माइनस पीएच कैथोड चलो बेटा सेपरेटली फाइंड आउट करेंगे जल्दी जल्दी मुझे लग रहा है कि टाइम हमारा 40 मिनट से थोड़ा सा ऊपर चला गया तो वो थोड़ा सा शाहरुख खान के साथ भी तो हुआ था ना टाइम ब्रेकर हो गया था चक देने में बस वही टाइम चल रहा है इसी में जीत या हार सुनिश्चित तो होगी तो मेरे ख्याल से जल्दी जल्दी इसको देख ले ठीक पी एच एनोड का सबसे पहले इसके बारे में बात कर रहे हैं क्या ये स्ट्रॉन्ग बेस है यस आज की क्लास का सबसे पहला पेज यही था जब पढ़ाना शुरू किया माइनस लॉग ऑफ ओ एच नेगेटिव आइन एन एच मोलर 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 है यानी कि 10 -1, एक NaOH से एक से से बनेगा बनेगा तो 10 -1 से 10 -1 बनेगा, तो किसके बराबर आ गया माइनस लॉग ऑफ फोर्टीन माइनस पी एच पीएच कितना आ गया बात करते हैं कैथोड के बारे में क्या कैथोड में H पॉजिटिव आइन है यस yes, सर क्या कैथोड में स्ट्रॉन्ग एसिड है यस yes, सर एक एच टू फोर से एच पॉजिटिव आइन कितने बनते हैं दो तो पॉइंट जीरो फाइव को टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा पॉइंट वन कितना बन जाएगा पॉइंट वन एच पॉजिटिव आइन कितना हो गया पॉइंट वन जिसे टेन रेज टू पावर माइनस वन भी बोल सकते हैं क्या? PH का का आ चुका है एनोड उसका 1. 13 रखेंगे 1 रखेंगे 13 -1, 12. 12 को से मल्टीप्लाई कर दो कितना आया 0.072 ठीक है दैट इज आवर आंसर ठीक है मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 0.072 नहीं आएगा 0.06 था ना आप पॉइंट को करेंगे तो पॉइंट Uh, 7 तो आएगा ठीक है हां तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था चलिए एक और क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बेटा नेक्स्ट देखिए ओहो अब की बार क्या है हाइड्रोजन का प्रेशर दे नहीं रखा सेम होगा इसका मतलब दोबारा एक क्वेश्चन आ गया है इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल का बट अब की बार एनोड पर क्या दे रखा है एक तो दे रखा है CH3CUN प्लस एच थ्री एक एच यानी क्या दे रखा, दे रखा है सी एच थ्री है, एन अरे सर क्वेश्चन वही है दोबारा क्या ये क्या है इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल हाइड्रोन के प्रेशर नहीं दे रखे सेम होंगे 1 ATM मान के चलेंगे दोबारा ई e सेल का फॉर्मूला पॉइंट जीरो फाइव नाइन पीएच एनोड एसिडिक बफर का पीएच निकालेंगे पीएच कैथोड सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग वेस्ट का बफर का सॉरी सोल्ट का पीएच uh, एच निकालेंगे चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वाले पे देख लेते हैं एक तो कॉन्सेंट्रेशन पॉइंट वन मोलर दोनों की दे रखी है और के ए दे रखा है एसिडिक एसिड acid का टेन रेस्ट फोर माइनस फाइव अगले पेज पे लिख लेते हैं ये देखिए सी एच थ्री सी एच सी एच थ्री सी एन ए दोनों की कॉन्सेंट्रेशन पॉइंट वन मोलर है मोलर है और इसका Ka दे रखा है क्या एनोड पर एसिडिक बफर है यस yes. यस क्या एसिडिक बफर का pH निकालना आता है तो पी के क्या होगा माइनस लॉग ऑफ के माइनस लॉग ऑफ टेन रेस्टर माइनस फाइव माइनस फाइव आगे आ गया जाएगा क्या हो जाएगा पी क्या हो जाएगा फाइव लॉग टेन लॉग टेन की वैल्यू कितनी होती है वन ठीक है तो पी कितना आ गया फाइव लॉग सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन पॉइंट वन एसिड की कॉन्सेंट्रेशन पॉइंट वन ये वन आ गया क्या लॉग वन की वैल्यू जीरो होती है तो पी एनोड का पता चल गया बेटा पी एनोड का पता चल गया बेटा दैट इज फाइव अब बात करेंगे कैथोड सी एस थ्री सी ओ एन ए इसकी भी कॉन्सेंट्रेशन पेपर में जो क्वेश्चन आया है वो पॉइंट वन मोलर है क्वेश्चन वो चुने गए हैं जो प्रीवियस ईयर में बहुत बार आए हुए हैं ठीक है तो देखिए इसकी पीएच का फॉर्मूला क्या था सेवन प्लस हाफ पी के प्लस लॉग सी सेवन ये कैथोड की फाइंड आउट कर रहे हैं प्लस हाफ पी के क्या होता है माइनस लॉग ऑफ के ए के ए क्या होगा इसका सी एच थ्री सी का के ए जिसके पी के की वैल्यू अभी फाइंड आउट ही करी थी हमने के ए टेन एस हुआ माइनस फाइव था तो पी के कितना हो जाएगा फाइव लॉग सी सी क्या है कॉन्सेंट्रेशन सॉल्ट की कितनी दे रखी है पॉइंट वन लॉग टेन रेज टू पावर माइनस वन लो कैथोड का भी आ गया सेवन प्लस हाफ ये फाइव है लॉक टेन इसमें माइनस वन क्या होगा माइनस वन लॉक टेन फोर आ गया सेवन प्लस हाफ इंटू फोर कितना आ गया नाइन एथोड की पीएच पता चल गई है एनोड की पीएच पता चल गई है क्या यहां पर एनोड की और कैथोड की पीएच रख के क्या हम आंसर निकाल सकते हैं बिल्कुल निकाल सकते हैं जी ई e सेल का ठीक है और देखिए बेटा एक और क्वेश्चन अब की बार देखिए क्या किया इन्होंने क्या कि H पॉजिटिव आयन की कंसेंट्रेशन दोनों तरफ क्या है सेम इसी कारण एक ही बार लिखी हुई है और प्रेशर अलग-अलग है इधर प्रेशर कितना है 2 atm इधर कितना है 5 atm तो क्या ई e सेल का फॉर्मूला 0.059 आपकी मनमर्जी मैं 0.06 रख रहा हूं 2 लॉg ऊपर किसका प्रेशर आ जाएगा अभी तक तो आपको याद हो जाना चाहिए बट आपके लिए दिखा रहा हूं कहा गया ये रहा ऊपर किसका प्रेशर आ जाना चाहिए एनोड वाले का नीचे किसका आ जाना चाहिए कैथोड वाले का इसको पॉइंट जीरो सिक्स रखा है बस ऊपर एनोड वाले का टू नीचे कैथोड वाले का फाइव क्या ई सेल की वैल्यू Log 2 की की वैल्यू वैल्यू कितनी कितनी होती होती है? है? हो जाएगा. मल्टीप्लाई तो करेंगे है. को करेंगे. से के आसपास का जो भी आंसर आएगा negative में ठीक है? वही हमारा ऑप्शन होगा जो चारों ऑप्शंस में से करेक्ट होगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते टाइम देखिए सब कुछ टाइम अगर जल्दी से जल्दी इतना टफ क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर पा रहे हैं तो आप सही ट्रैक आ जी ठीक है चलिए आगे बढ़ते प्लीज क्या दे रखा है यहां पर हाइड्रोजन का प्रेशर यहां पर मेंशन नहीं है यहां पर मेंशन नहीं है तो क्या होगा सेम बार, एनोड पर क्या है सर ये तो बफर है कोई एसिडिक एसिड और सोडियम एसिडेट वीक एसिड और उसका सॉल्ट थोड पर क्या अरे सर ये भी एक बफर है और बाय चांस ये भी एक, एक एसिडिक बफर है ठीक है सर वही रहेगा अब तक अगर याद नहीं हुआ तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी पॉइंट जीरो फाइव नाइन पीएच एनोड माइनस पीएच कैथोड एनोड वाला एसिडिक बफर कैथोड वाला बेसिक सॉरी एसिडिक बफर बस उसकी वैल्यूज रखना शुरू करिए

एक-एक लाइन में क्वेश्चन खत्म हो रहे फाइव पॉइंट थ्री जीरो क्वेश्चन का बनावट ऐसी है कि अगर देखेंगे ना तो दिमाग खराब हो जाएगा कि अरे क्या लिखा हुआ ये कैसे होगा ये ठीक है अभी तक तो सिर्फ एच पॉजिटिव आयन ही पढ़ पाते थे एसिडिक बफर वगैरह आयनिक इक्लिब्रियम वाला इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कर क्या ठीक है अब बात करते हैं कैथोड के बारे में फॉर्मिक एसिड पॉइंट वन ये पॉइंट फोर और

फोर की वैल्यू होती है 0.6020 लो जी कैथोड की पीएच भी आ गई 4.6020 तो फिर वही पीएच किसके बराबर थी 0.059 पीएच एनोड माइनस पीएच कैथोड माइनस करके मल्टीप्लाई आप जरूर कर सकते हैं और मुझे लगता है आप जरूर करेंगे भी और इसका आंसर भी बताएंगे हमें ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ठीक है, That is, ये क्वेश्चन देखिए मैं आपको बताता हूं सारे क्वेश्चन हमने बनाए कैसे हैं। ये जैसे ये सिर्फ इतना क्वेश्चन है ये सिर्फ इतना सा क्वेश्चन ये सिर्फ इतना सा क्वेश्चन इसकी पीएच पूछी हुई है आप चेक करिएगा इफ आई रिमेंबर इट करेक्टली ये जेई मेन 2019 का क्वेश्चन है अप्रैल के आसपास आई एम नॉट टू श्योर अबाउट डेट बट वो आप देखिएगा और ये सिर्फ इसकी pH पूछी हुई है। है? है? है। चलिए। का इधर 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 ठीक क्या दे रखा है? एक salt दे रखा रखा एक तो उसकी पीएच कैसे निकलेगी कौन सा सॉल्ट दे रखा है स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बना हुआ यानी के सेवन माइनस हाफ पी के बी प्लस लॉग सी ये बात हो रही है एनोड के बारे में वाला तो बहुत सिंपल ही तो टू कैथोड की फाइंड आउट कर लेतेवन माइनस आ पी केवी पीके भी क्या होगा टेन स्क्वायर माइनस फाइव था के तो pKb कितना होगा फाइव लॉग ऑफ ऑफ सॉल्ट कितना दे रखा है पॉइंट जीरो टू दैट इज टू इन टू टेन एज टू पावर माइनस टू इसको अगले पेज पे सॉल्व कर लेते हैं बेटा नोट सेवन माइनस हाफ ये फाइव था लॉग टू लॉग टू की वैल्यू होगी पॉइंट थ्री जीरो वन जीरो माइनस था था वो प्लस हो हो जाएगा फिर यहां पर 2 log 10 आना यानी कि 2 log 10 आएगा ठीक है बेटा ये ये कितना हो गया कैलकुलेशन एक, एक बार देख लीजिएगा लॉक टू इन टू टेन एस माइनस टू की क्योंकि थोड़ा टाइम की कमी है कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है सिक्स पॉइंट है ना दाइव 6990 लो जी एनोड की पीएच आ चुकी है कैथोड की पीएच पीछे फाइंड आउट करी थी तो क्या ई e सेल का फॉर्मूला वही होगा 0.059 पीएच एनोड का और पीएच कैथोड का लो जी आंसर आ गया हमारा इस क्वेश्चन का भी ठीक है तो देखिए बहुत ही छोटे टाइम के अंदर हम लोगों ने ये सॉल्व कर लिया है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड के इक्म के दो सबसे बड़े टॉपिक जिनमें से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक आज एक्सपेरिमेंट भी देखा है आप सब लोगों ने वो भी आज की क्लास का कहीं पे हिस्सा था तो क्या आप बता सकते हैं ये कैसे हो रहा है वॉच दिस स्पेस फॉर मोर आई विल गेट बैक टू यू नेक्स्ट टाइम थैंक्स फॉर गिविंग अस योर टाइम थैंक यू बच्चों